देश और दुनिया जहां भूकंप के झटकों से दहल रहे हैं तो वहीं हरियाणा के कुछ एक जिले भी ऐसे हैं जिन पर भूकंप का गहरा साया मंडरा रहा है ये जिले ऐसे हैं जहां पर तुर्की जैसे हालात बन सकते हैं तुर्की सीरिया समेत पाँच से ज्यादा देशों में आए भूकंप ने दुनिया को हिला कर रख दिया बात कर रहे हैं रोहतक और झज्जर जिले की जो की सिस्मिक संतरी जोन और सिस्मिक येलो जोन की श्रेणी में आते हैं बड़ी बात तो यह है की झज्जर में नए साल आरोप ही भूकंप के झटके महसूस किए गए थे झज्जर जिले में एक बजकर कर उन्नीस मिनट पर धरती के हिलने की हलचल महसूस की गई थी जमीन से मात्र पाँच किलोमीटर नीचे ये हलचल दर्ज हुई थी जिस कारण काफी लोगों को यह भूकंप महसूस भी हुआ था रोहतक झज्जर से गुजर रही महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन के नजदीक अक्सर भूकंप आते रहते हैं इन आरोप राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की भी नज़र है यहाँ आरोप भूकंप आने के बड़े कारण ये भी है की देहरादून ऐसी महेंद्रगढ़ तक जमीन के नीचे एक फॉल्ट लाइन है जिसमे अनगिनत दरारें हैं इन दिनों इन दरारों में गतिविधियां चल रही है इसके तहत प्लेट मूवमेंट करती है और इसके आपस में हल्की सी टकराने पर ही कंपन पैदा होती है ये कभी भी कहीं भी हो सकता है इसी वजह से भूकंप के झटके महसूस होते हैं भूकम्पीय जोनिंग की अगर माने तो रोहतक झरझर जोन चार और जोन तीन में आता है भारत में भूकंप को चार जोन में बांटा गया है जिसमे की जोन दो तीन चार और पाँच शामिल है इसके खतरे के हिसाब से आका जाता है जोन दो में सब से कम खतरा और जोन पाँच में सबसे अधिक खतरा होता है मैप में जोन दो को आसमानी रंग जोन तीन को पीला रंग और जोन चार को संतरी रंग और जोन पाँच को लाल रंग दिया गया है इसमें रोहतक जिले को दिल्ली साइड और क्षेत्र जोन चार व हिसार साइड का क्षेत्र जोन तीन में आता है ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा आज